देखिए दिल्ली में तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में शो शुरू है, लेकिन अभी तक मैं तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूँ, सुबह से चार शो के टाइमिंग पूरे हो चुके हैं और अब तक यहाँ पर टिकट्स काउंटर आप देख रहे हैं कि एक भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा है। अगर टोटल चार शो की बात करें तो 145 टिकट ही सिर्फ बिके हैं, यानी अब तक जहां जनरल अगर समय में देखा जाए तो शोज़ के समय में जब कोई नई मूवी लगती है तो यहां पर कम से कम 1.5 से 2 हज़ार टिकट्स बिक्री हो जाते हैं, लेकिन 145 टिकट सिर्फ अब तक बिक्री हुए हैं, जबकि चार शो सुबह से हो चुके हैं, जो टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है। मल्टीप्लेक्स थिएटर है, मुंबई का बड़ा थिएटर है और यहाँ पर आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है। अमोन, यही हाल पूरे मुंबई भर के अलग अलग सिनेमा घरों के बाहर का है, क्योंकि लोग अवॉइड कर रहे हैं। जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, 14 की संख्या पहुंच चुकी है, 40 से 50 लोगों की रिपोर्ट्स भेजी गई है, साथ ही लगातार जिस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लोग अवॉइड कर रहे हैं ऐसे समय में कि सिनेमा हॉल में जाने को लेकर के या तमाम सारी दूसरी जगहों पर जाने के लिए, ताकि कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके। हम चंदन जितवाड़े के पास चलते हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। चंदन, दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन रेलवे स्टेशन में इस वक्त क्या हाल है और रेलवे की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके और जरूरी कदम लोग उठाएं? देखिए, सबसे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए ये जरूरी कि जब भी आप खांसे तो यूं कोहनी के ऊपर खांसे या छींकना हो तो कोहनी रख करके छींके, इसी से ड्रॉपलेट्स को रोका जा सकता है और कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। ये सबसे बुनियादी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें नई दिल्ली स्टेशन की, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शताब्दी एक्सप्रेस जो अमृतसर शताब्दी अभी लगी है और ज़्यादातर लोग यहाँ देख सकते हैं कि महिला हो चाहे पुरुष, हर कोई मास्क पहन करके ही गाड़ी से उतर रहा है, ट्रेन से उतर रहा है, अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए गए, तमाम जगहों पर यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही साथ लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या करें क्या ना करें, उसमें कोहनी का इस्तेमाल सबसे ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ जो है लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि घबराना नहीं है, लेकिन इस वायरस को अगर फैलने से रोकना है तो जो बुनियादी सिद्धांत है, शिष्टाचार है, वो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब